कि सच में प्यार था तुम्हें, कि सच में प्यार था तुम्हें, सवाल तो अच्छा है। कि सच में प्यार था तुम्हें, सवाल तो अच्छा है, अजी खेलना है तो खुल के खेलो, खेलने का ख्याल अच्छा है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सत्यम अर्जुन झा है। चंद एक मिनटों के लिए मैं आपको एक सफर पे ले चलूंगा, उम्मीद है आप सही मेरे साथ चलेंगे। मेरी जो पहली कविता है उसकी भूमिका ये है कि एक बार मेरी उससे कुछ लड़ाई हो गई, आपस में कुछ तनातनी थी, हमारी बातें रुक गई। अब मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था, तो वो सब जो अनकहा था, जो उलझन थी मेरे अंदर, मैं सारा दिन सोचता था कुछ लिखूं उसे, फिर दिन भर रोकता था खुद को, फिर रात में पता नहीं कुछ जा कुछ कह देता था। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि मैं वो तेरे आँख का पानी हूँ, कि मैं वो तेरे आँख का पानी हूँ, अनजाने में बह जाता हूँ, कि मैं वो तेरे आँख का पानी हूँ, अनजाने में बह जाता हूँ, और मैं सारा दिन लड़ता हूँ खुद से, रात हार के सब कह जाता हूँ, कि मैं सारा दिन लड़ता हूँ खुद से, रात हार के सब कह जाता हूँ, कि हाल तुम्हारा भी कुछ ऐसा है, हाय कि हाल तुम्हारा भी कुछ ऐसा है, अंदर अंदर सब जानूं मैं, कि हाल तुम्हारा भी कुछ ऐसा है, अंदर अंदर सब जानूं मैं, जाने का दूर सोचकर तुमसे क्यों हर बार यहीं रुक जाता हूँ, कि जाने का दूर सोचकर तुमसे क्यों हर बार यहीं रुक जाता हूँ। और उसका एक कारण दिया मैंने कि कुछ बात तो तुम में भी होगी, हाँ कि कुछ बात तो तुम में भी होगी मेरी, मानो या ना मानो तुम, कि कुछ बात तो तुम में भी होगी मेरी, मानो या ना मानो तुम, वरना यूं ही नहीं तुमसे लड़कर तेरे सामने मैं झुक जाता हूँ। और अपनी उलझन को बयां कर रहा हूँ मैं, कि उलझन क्या थी, इतना सब कैसे कहूँ तुमसे, कि इतना सब कैसे कहूँ तुमसे, बस इसी उलझन में रह जाता हूँ, कि इतना सब कैसे कहूँ तुमसे, बस इसी उलझन में रह जाता हूँ, और मैं सारा दिन लड़ता हूँ खुद से, रात हार के सब कह जाता हूँ। तो जो मैंने कहा दिल का, वो उसने दिल से सुन लिया। उसने इसका, उस उलझन का क्या उत्तर दिया, वो उसका शीर्षक अनकहा है। तो अनकहा, उसने कहा कि तुम्हारे अंदर की उलझन को मैं सब जानती हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर की उलझन को मैं सब जानती हूँ, हाँ थी मैं गलत कभी ये भी मैं मानती हूँ, कि तुम्हारे अंदर की उलझन को मैं सब जानती हूँ, हाँ थी मैं गलत कभी ये भी मैं मानती हूँ, सुन तो लिया तुमने वो सब कुछ जो मैंने कहा, कि सुन तो लिया तुमने वो सब कुछ जो मैंने कहा, तुमने जो नहीं कहा वो अनकहा भी मैं जानती हूँ। अभी हमारे एक भाई ने देश के सिपाहियों के ऊपर एक कविता सुनाई, उसी, अब क्या है कि हमारा जो देश का एक सिपाही है ना, उसकी एक आम जो उसकी दैनिक जिंदगी है, उसके अलावा उसकी एक लव लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ। तो वो एक सैनिक जो अब युद्ध में जा रहा है, वो अपनी प्रेमिका से मिलता है, वो उससे कहना नहीं चाहती, वो चाहती उसे कुछ कहना पर वो कह नहीं पा रही। वो सैनिक उससे क्या कहता है, वो एक छोटी सी कविता है मेरी, उसका नाम है जाने फिर, तो आपके बीच में रखता हूँ, उम्मीद आपको पसंद आएगी। कविता ऐसे है कि जो कहना हो, कि जो कहना हो अगर मुमकिन हो कह देना तुम, कि जो कहना हो अगर मुमकिन हो कह देना तुम, जाने फिर हमारी बात कब होगी, कि जो कहना हो अगर मुमकिन हो कह देना तुम, जाने फिर हमारी बात कब होगी, और अपनी जुल्फों में जो कैद किए हो मेरा दिल तुम, कि हाय अपनी जुल्फों में जो कैद किए हो मेरा दिल तुम, जाने फिर पिंजरे से आजाद कब होगी, कि अपनी जुल्फों में जो कैद किए हो मेरा दिल तुम, जाने फिर पिंजरे से आज़ाद कब होगी, और इस बार ही मौका है, हाँ कि इस बार ही मौका है, भीग लो मेरे साथ इस बारिश में तुम, कि इस बार ही मौका है, भीग लो मेरे साथ तुम, जाने फिर ऐसी झीनी बरसात कब होगी, कि इस बार ही मौका है, भीग लो मेरे साथ तुम, जाने फिर ऐसी झीनी बरसात करो कब होगी, और कर लो सैर सितारों की मेरी बाहों में सर रख आज तुम, कि कर लो सैर सितारों की मेरी बाहों में सर रख आज तुम, जाने फिर ऐसी अंधेरी रात कब होगी, कि जाने फिर ऐसी अंधेरी रात कब होगी। और ये आखिरी पंक्ति है इस कविता की, आपका समर्थन चाहूंगा, कि कर लो सैर सितारों की मेरी बाहों में सर रख आज तुम, जाने फिर ऐसी अंधेरी रात कब होगी, और हर साल रस्म मोहब्बत निभाते न रहना तुम, कि हर साल रस्म मोहब्बत निभाते न रहना तुम, न जाने ऊपर उस दुनिया में हमारी मुलाकात कब होगी, न जाने ऊपर उस दुनिया में हमारी मुलाकात कब होगी। आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम, धन्यवाद।